छत्तीसगढ़ दौरे पर कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रहने वाले और क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा ये भी जान लीजिए। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ये दौरा कल बिलासपुर के दौरे पर बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा इसे कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से चूंकि वहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी बड़ी तैयारियां की जा रही है, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उसके पहले राहुल गांधी का ये दौरा काफ़ी खास और अहम होगा। केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश इस दौरे में देखी जाएगी और सारी प्लानिंग जो है कांग्रेस की तरफ से इसी बात को लेकर की गई है। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, लगातार आप देखिए किस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आने वाले हैं। कल उनका छत्तीसगढ़ दौरा है, सुबह 7:15 पर इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली के लिए वो रवाना होंगे, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो वो आवास न्याय सम्मेलन की शुरुआत करने वाले हैं। बिलासपुर में एक जनसभा का कार्यक्रम है जिसके लिए रायपुर से रवाना होंगे। पूरी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था जहां पे रुकने का रहेगा, जहां पे सेफ हाउसेस होंगे एयरपोर्ट में और रूट में सुरक्षा लगाई जा रही है और पर्याप्त सुरक्षा का बंदोबस्त लगाया जाएगा। लगभग 400 का बल रहेगा और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। कि वे मुख्य अतिथि श्री राहुल गांधी जी का स्वागत। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी मुश्ताक कुरैशी का। मुश्ताक, काफ़ी अहम रह सकता है राहुल गांधी का ये दौरा, जैसे कि हम लगातार उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम की भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी का उनसे पहले ये जो दौरा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को, और ये भी कहा जा रहा है कि वो सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, रेल मार्ग से जा सकते हैं, बड़े आम आदमी बनकर वो यहाँ आने वाले हैं ऐसा सुना है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का जो बिलासपुर दौरा है वो मायनों में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि बिलासपुर संभाग की जो 25 सीटें हैं उस सीटों को लेकर के कांग्रेस जो है लगातार कोशिश कर रही है कि इन सीटों पे जो पुराना रिकॉर्ड रहा है उससे बेहतर वो कर सके। और बात करें राहुल गांधी के दौरे की, तो राहुल गांधी इस दौरे से निश्चित तौर पर ये एक चीज बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि एक आम आदमी की तरह वो आ रहे हैं और आम लोगों की समस्याओं को समझकर आम लोगों की तरह यहाँ दिखना चाहते हैं। साथ ही एक बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भाजपा जो है कांग्रेस को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के घेर रही थी, और कल जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो कांग्रेस एक बड़ा जो आयोजन है ग्रामीण आवास योजना के तहत कर रही है, और इस योजना के तहत लोगों को ग्रामीण आवास जो है कांग्रेस देने जा रही है। ऐसे में भाजपा के जो बड़े आरोप रहे हैं कांग्रेस के ऊपर उसका भी जवाब कांग्रेस दे रही है। साथ ही बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी परिवर्तन यात्रा के समापन में 30 सितंबर को बिलासपुर आना है। ऐसे में प्रधानमंत्री से पहले राहुल गांधी का जो आगमन है बिलासपुर में कई मायनों में काफी अहम हो जाता है। बात करें कुछ ये भी खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी जो है पहले ट्रेन से आने वाले थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ट्रेनों का जो मुद्दा रहा है वो काफी बड़ा रहा है। लगातार पिछले कई महीनों से जो छत्तीसगढ़ की ट्रेनें हैं, खास करके बिलासपुर संभाग से जो गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनें हैं वो लगातार रद्द हो रही थी। ऐसे में ट्रेनों से आने की जो बात कही जा रही थी वो भी कहीं ना कहीं आम लोगों से जुड़ी हुई बात थी, और लगातार जो कांग्रेस है राहुल गांधी के दौरे से भाजपा के ऊपर जितने भी भाजपा के जो आरोप थे उसके जवाब देते हुए भाजपा पर पलटवार करने की भी कोशिश यहाँ पर कर रही है। साथ ही बिलासपुर संभाग की जो 25 सीटें हैं उन सभी सीटों पर कांग्रेस जो है जीत दर्ज करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल मुश्ताक, हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि चूंकि ये बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा, और खास तौर पर जैसे कि आप कह रहे थे कि ट्रेनों के संचालन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और उसी को लेकर जानबूझकर उन पर ये अटैक करने की कोशिश केंद्र सरकार के पर, और आम रूप में वो यहाँ आएंगे।